अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जी अशरफ पलम्बर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ न्यू काम के साथ। ये देखें आप, ये वाल शावर का है और वाश बेसन का, इधर वाश बेसन आएगा इस जगह पे। साथ ही ये सामने जो है, ये जो पी ट्रैप है, ये डब्ल्यू सी का है, ये इधर कमोड है एक साइड पर। इनका अंदर सेंटर का जो वाया है ये है 4 फुट, 4 फुट इसका वाया है। यहाँ पर ये डब्ल्यू सी है, उधर कमोड है, ये इधर सामने इस दीवार पे वाल शावर देना है। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसकी सीवरेज की है, मैं बाहर से भी आपको विजिट करवाता हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह है ये जो लेंटर है ये 6 इंच नीचे है इस फर्श के लेंटर से वाशरूम का, इसलिए हमने जो है इसका जो है ये बीम तोड़ा है। तोड़कर यहाँ से हमने जो है ये 45 डिग्री की डबल एल्बो लगाई है, क्योंकि पैप जो है ये कॉर्नर से उतरेगा। यहाँ पे हमने टी लगाई है, ये नीचे यहाँ से जाएगा और ऊपर से जो है बरसाती का पानी जो है ऊपर से, ये देखें हम यहाँ पर भी जो है ये वाई टी लगाएंगे और डबल एल्बो आएगी इधर भी सामने ऊपर भी। ये आप देख सकते हैं जी, ये हमने जाल के नीचे से निकाला है इसको बिल्कुल, ये सरिया हम काट देंगे ऊपर से। ये देखिए जी, हमने इसको आरसीसी कंक्रीट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये हमने इसके ऊपर टुकड़े वगैरह लगा दिए पी ट्रैप के ऊपर, कमोड, डब्ल्यूसी, वाल शावर और वाश बेसन का पानी जो है इसमें आएगा। ये वाल शावर का पॉइंट है, इधर सामने वाश बेसन आएगा, ये देख सकते हैं आप। इसको आरसीसी कंप्लीट इसलिए किया है जी कि मिस्त्री हजरात वगैरह जो हैं ऊपर से कुछ गिर जाता है, कोई ईंट वगैरह गिर जाती है, कोई टुकड़ा गिर जाता है, उससे ये पाइप डैमेज ना हो। और ये टुकड़े लगा रही हैं कि पी ट्रैप के अंदर कचरा वगैरह ना जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, फॉलो करें, अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें। शुक्रिया, मेहरबानी।